अभी अपन लोग है ना, ये जो पिरामिड है इसके हर्ट में है, प्रॉपर हर्ट में पीछे देख रहे हो। ये यहाँ किंग क्या आराम करता होगा इतनी गर्मी में, मतलब कैसे रहता था। इसके अंदर किंग को रखा गया था। एक चीज़ और, यहाँ पे स्कैमर से बच के रहना। माय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पिरामिड को एक्सप्लोर करने वाले हैं और आप लोग में पिरामिड के बारे में जितनी मेरे पास नॉलेज है ना, वो सारी नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। और एक सपना था बचपन से कि यार जो वर्ल्ड के 7 वंडर्स हैं उनको विजिट करेंगे, एक एक करके विजिट करेंगे। ताजमहल विजिट कर लिया था और आज मैं यहाँ पर इजिप्ट के पिरामिड में आ गया। तो आप लोग इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि एक टाइम था जब इजिप्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा रिच कंट्री हुआ करता था। तो टाइम के साथ उसकी गरीबी भी उसके पास आती रही। और आप लोगों को बता दूं कि जो ये जो पिरामिड है ये 4,500 साल पुराना है, अराउंड 4,500 साल पुराना है। और थोड़ा सा आप लोगों की नॉलेज के लिए बताऊं तो ये जो पिरामिड के जो स्टोन्स हैं, एक क्यूब जो है वो मतलब 45,000 किलो के आसपास का है। तो आप लोग आइडिया लगा लो कि जो आज की तारीख की जो क्रेने हैं, जो क्रेन है वो 25,000 किलो से ज़्यादा का पत्थर उठा नहीं सकती है, उनमें भी इतनी क्षमता नहीं। और कैन यू इमेजिन कि ये जो पत्थर हैं ये उस टाइम के लोगों ने अपने हाथों से बनाए गए थे। तो टाइम के साथ क्या टूट भी रहा, लाइक जो पत्थर हैं वो अपने आप टूट रहे हैं और झड़ रहे हैं। आप लोग अगर ऑब्जर्व करो तो देखो यहाँ पर जो स्टोन हैं वो अपने आप थोड़े थोड़े टूट रहे हैं। तो भाई इस पिरामिड के अंदर जाने के लिए ना हमको कम से कम आधा एक घंटे का लॉन्ग लाइन लगने वाला है। वो पीछे देख रहे हो इधर की साइड में, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं भाई, बहुत सारे हैं। और गर्मी इतनी है ना, सिटी में जाओगे सिटी में ठंडी लग रही है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। आधा घंटा लाइन लगने के बाद नंबर आ ही गया। पीछे स्टोन देखो मैं तो यार, मतलब इसको देख के हैरान हूँ यार, कैसे लोगों ने बना दिया इसको। आई मीन 4,500 साल पहले ये बनाया गया था। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आदमियों ने कैसे उठा के इतने बड़े पिरामिड को बनाया। देखो वो वहाँ है पिरामिड भाई, फाइनली पिरामिड में एंट्री ले लिया। भाई देखो नीचे जाने का भी अलग से रास्ता है, इसको बंद कर रखा है इन्होंने। हमको उधर जाना। अभी देखो ऊपर चढ़ना। अभी हम लोग इस पिरामिड के दिल में जाने वाले हैं, इसके दिल में। देख रहे हो ना पिरामिड में कैसे नैरो बना रखा है, बिल्कुल नैरो जगह है ये। एक चीज माननी पड़ेगी, 4,500 साल पहले, लगभग 4,500 साल पहले ये बना था। और उस जगह उस टाइम पे इसको कैसे मेंटेन किया ये भाई, एक बहुत बड़ा बड़ी बात है। सो इमोशनल यार इसको देख के, माइंड भाई। वो अंडी को देखो कितने थक गए। गुड भाई, थक गए अंडी। ये देखो ये जगह पूरी। और एक चीज मैंने और ऑब्जर्व की, अंदर का टेम्परेचर है ना हमेशा सेम रहता है। ऐसा बोलते हैं कि अंदर का टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता, और यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है एक्चुअली। और बाहर टेम्परेचर चेंज होता है। पसीने देख रहे हो मेरे, तो इतनी सी देर में मेरे को पसीने आने लग गए। It's so hot inside. भाई क्या जबरदस्त जगह है, सही बता रहा हूँ। अभी राइट नाउ अभी अपन लोग है ना, ये जो पिरामिड है इसके हर्ट में है, प्रॉपर हर्ट में पीछे देख रहे हो ये। और एक चीज़ और,
जैसे जो पिरामिड का स्टोन है ना, इसको हाथ लाओगे तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, और ऐसे बहुत ज़्यादा हीट है। मैं कहूँगा कि भाई पहले के लोगों में ना सच में दिमाग था, भाई ये पत्थर क्रेनों से तो नहीं उठाए जाएंगे, 100% मैं कह सकता हूँ। क्रेन इन पत्थरों को कभी भी नहीं उठा सकती। एंड देखो पीछे, अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो जो स्टोन्स है ना, इनके बीच में 1% भी स्पेस नहीं है। तो ये जो स्टोन है, ये एक के ऊपर एक लगा के बनाए हुए विदाउट स्पेस। माय गॉड भाई, एक ये आ गई है। शिट, और ये जो ये जगह देख रहे हो ना, ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे जो किंग है वो आराम करता था। यहाँ किंग क्या आराम करता होगा इतनी गर्मी में, मतलब कैसे रहता था। रियल चीज है, उस टाइम में एसी भी नहीं हुआ करते थे, पंखे भी नहीं हुआ करते थे, फिर भी किंग ऐसे रहा करता था यहाँ पे। ऐसा बोलते हैं कि ये जो जगह है, ये आप देख रहे हो, ये इसके अंदर किंग को रखा गया था। बहुत जबरदस्त, मतलब दूर दूर देखोगे ना, ये एक कमरा है। ये जगह सच में जबरदस्त, वो जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, यहाँ पे किंग ऐसा बोलते हैं यहाँ रहा करता था, और आज तक किंग और क्वीन की जो डेड बॉडी है वो आज तक नहीं मिली थी पिरामिड में, कहाँ है भाई। इस जगह को देख के ना ये तो लग गया कि जबरदस्त है। ये देखो, एक एक स्टोन को है ना काट के बनाया, और ऊपर देखोगे ना एक स्टोन की जो क्यूब्स हैं वो कम से कम है ना 45,000 बोल रखा, 45,000 किलो की है, पर वो मुझे लगता है 45,000 किलो से ज़्यादा की है। इस जगह को देख के ना ये तो पता लग गया मेरे को कि पहले के लोग कुछ भी कर सकते थे। हम भाई वहाँ, हम न्यू जनरेशन में जी रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो पहले की टेक्नोलॉजी थी वो हमारे पास आज भी नहीं है। नॉर्मल सी चीज़ें हम लोग आज, इवन ह्यूमन आज की तारीख में है ना 10 किलो वजन भी ढंग से उठा नहीं सकता। पर ये सोचो कि उस टाइम के लोगों ने इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के इतना बड़ा ऊँचा पिरामिड बनाया था। अमेजिंग, आई एम सो मच इम्प्रेस्ड फ्रॉम दिस प्लेस, सो ब्यूटिफुल, I'm so emotional यार। लाइफ में यहाँ पे आके सुकून मिल रहा है भाई। ये जो जगह है ना, इतनी ज़बरदस्त जगह मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी सही। और एक काफ़ी इमोशनल हुई यार, एक चीज़ दिल में थी हमेशा से कि यार जो 7 वंडर्स है लाइफ में एक बार तो घूमेंगे। तो ताजमहल घूम लिया था, और ऐसा था कि कंट्री के बाहर भी एक बार तो विजिट करेंगे, आज सपना पूरा हो गया। ये मेरी लाइफ का 2nd 7 वंडर्स में आने वाला है, और आने वाले कुछ सालों में हम लोग पूरे 7 वंडर्स को विजिट करने वाले हैं। बाकी देखते हैं भाई, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो दुनिया का एक एक कोना छान मारेंगे। बाकी इस जगह की बात करूँ तो इतनी ब्यूटीफुल जगह मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। पिरामिड अंदर से मेरे को हैरानी ये है, पिरामिड ये स्टोन्स देख रहे हो, एक एक क्यूब जो है वो 45,000 किलो की है। 4,500 साल पहले मशीनें तो हुआ नहीं करती थी, बिकॉज आज की तारीख में भी जो क्रेनें हैं वो 20,000 किलो से ज़्यादा का वजन उठा नहीं सकती, और ये आदमी ने बनाया है एक एक पिरामिड। वो वहाँ है पिरामिड, कैन यू इमेजिन, वो वहाँ पे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे को यहाँ पे पता लगी है कि ये जो पिरामिड्स हैं, ये पिरामिड्स जो इजिप्ट के जो क्वीन राजा और रानी थे उनके लिए बनाया गया था ये, लेकिन आज तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिली। बिकॉज इस पिरामिड को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया जो सन की जो लाइट है वो उनकी डेड बॉडी पर डायरेक्टली पड़े। कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसकी रिसर्च की थी तो उनको आज तक इन जो राजा और रानी है उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। बिकॉज ये पिरामिड्स स्पेशली राजा और रानी के जो डेड बॉडी थी उसको प्रिजर्व करने के लिए रखी गई थी, लेकिन आज तक उनकी डेड बॉडी किसी को नहीं मिली कि भाई उनकी डेड बॉडी है कहाँ पे। भाई एक चीज़ और, यहाँ पे स्कैमर से बच के रहना। ये लोग है ना, ये टांगे वाला मेरे पीछे चल रहा है और बहुत देर हो गई कंटिन्यूसली चले जा रहा है। तो ये लोग पता क्या करते हैं, आपको बोलेंगे कि भाई सिर्फ 100 इजिप्टियन पाउंड दो, 200 इजिप्टियन पाउंड दो, और फिर जब आप लोगों को ड्रॉप करेंगे उस टाइम पे ये लोग आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो इस तरीके से क्या आपको
लूटते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या स्कैमर्स तो भाई भर भर के हैं, ये लोग इतना स्कैम करते हैं। इस जगह का सुना था, अभी देख रहा हूँ, एक कपल मिला था उन लोगों ने, क्या जो ऊँट रहता है ना ऊँट, उसको हायर किया था। तो उस ऊँट के अंदर क्या इन्होंने बोला कि हमने बात की दोनों के, 200 इजिप्टियन पाउंड देंगे। तो जब ये उतारा ना उन लोगों को, तो उनसे बोलता है कि 800 इजिप्टियन पाउंड दो। बताओ मतलब 800 क्यों दे भाई जब तूने बात की है 200 की। तो इस तरीके के जो स्कैम्स हैं उनसे बच के रहना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं इस चीज़ को लेके। बाकी ओ रहा पिरामिड, आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे पिरामिड जो ये टाइम के साथ झड़ रहा है, देखो वहाँ पे बिल्कुल सही है। नीचे के जो पत्थर से जो स्टोन है वो काफ़ी टूट चुके हैं। और इन पिरामिड्स के अंदर जाने की जगह है, और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी आज तक पता नहीं लगा इसके अंदर मोर देन 70-80 केव्स हैं, लेकिन उनको सारी केव्स का पता नहीं लगा कौन सी केव कहाँ जा रही है। भाई यार खतरनाक वाली गर्मी हो रखी है, अगर आप लोग यहाँ पे घूमने आते हो ना तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा जनवरी फरवरी और मार्च के बीच में ही ट्रैवल कीजिएगा, बिकॉज उस टाइम पे मौसम क्या थोड़ा ठंडा रहता है और अच्छे से आप लोग ट्रैवल कर पाओगे। तो ये जगह इतनी गर्म है भाई, बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब मर जाए आदमी यहाँ पे ज़्यादा देर रह जाए। तो देखो ना पीछे बंजर जमीन है, पीछे बंजर ही बंजर है, और इधर की साइड ये मेरे पीछे ये 3 पिरामिड्स हैं बस, और कुछ नहीं है। और बाकी यहाँ पे ये टांगे वाले रहते हैं ना, टांगे वाले घोड़े वाले, इनसे बच के रहना, ये बहुत ये सबसे बड़े स्कैमर्स हैं यहाँ पे, साले हर चीज़ में पकड़ पकड़ के पैसे मांगते हैं। भाई बच्चे हैं यहाँ पे, कुतिया के बच्चे हैं, उसकी माँ भी आ गई, मोरा बच्चे को हाथ कैसे लगाया भाई तूने, उसकी माँ देख रही है मुझे घूर के, बच्चे को हाथ लगाया तो फाड़ खाऊंगी मैं। तो भाई अभी टाइम आ गया यहाँ से निकलने का, बहुत देर हो गई यहाँ पे चक फेरी मारते, 4 घंटे से घूम रहा हूँ। बहुत बड़ा है यार एक्चुअली ये, और इसको ढंग से एक्सप्लोर करने के लिए है ना टाइम चाहिए ढंग से, क्या मैंने तो अच्छे से एक्सप्लोर किया है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी एक ही पिरामिड्स के अंदर आप लोगों को अंदर घुसने देंगे, तो भाई जितना मेरे को नॉलेज था मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को बताने की। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो में।